नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी से मॉडल पेपर नंबर 2 देखने वाले, जिसमें प्रीवियस ईयर के जीके, जीएस और जीए के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्राणियों के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो शीतल पेय बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का तना भाग खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में चुनाव आयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि एन एक्ट्रेस जर्नी किसकी आत्मकथा है? तो एन एक्ट्रेस जर्नी, ये जो आत्मकथा है, ये सईद जाफरी की आत्मकथा है। अगला है, काला पानी किस देश की सीमा रेखा पर अवस्थित नहीं है? म्यांमार देश पर अवस्थित नहीं है। अगला है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक ये है जो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? तो किसे मापा जाता है रिएक्टर स्केल से? तो दोस्तों ये मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो कौन सी रबी की फसल नहीं है? मूंगफली, ये रबी की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? खासी जनजाति झारखंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है तमिलनाडु। कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी? कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन 1924। एग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण क्या था? तो एग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण था योग नेतृत्व की कमी, सैन्य दुर्बलता, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की है? किसने की है, किस अधिनियम के अंतर्गत? चार्टर अधिनियम 1853। अगला है, दर्पण का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों दर्पण का संस्थापक था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? तो नवपाषाण काल के द्वारा लोगों द्वारा पाला हुआ पशु था कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में, तो वैदिक युग में विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो किसका मिलान गलत है ये पूछा जा रहा है, तो वल्लभाचार्य गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अनूदित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम था? तो क्या था? रजमनामा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रष्ट घाटी से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास
कलेक्टर पद का सृजन हुआ, तो भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था 1772 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए थे? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में मराठे अफगान से पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट भारतीय चंद्र मिशन किस दिन प्रक्षेपित किया गया था? तो किस दिन प्रक्षेपित किया गया था, यह किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। क्रिकेट के IPL 2 वर्जन में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न किस टीम के कप्तान थे? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान रॉयल के कप्तान थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो क्रिकेट की IPL की टीम है राजस्थान रॉयल्स, वो 2019 में IPL टीम का हिस्सा है या नहीं, और इसके कप्तान कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सीटों की संख्या है 545। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में कौन लाभान्वित होता है? तो मुद्रास्फीति में लेनदार लाभान्वित होता है। अगला, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? तो ज्योति रंधावा ये संबंधित है गोल्फ से। अगला क्वेश्चन है, मार्च अप्रैल 2009 में भारत ने न्यूजीलैंड को टेस्ट क्रिकेट मैच सीरीज में पराजित किया, यह विजय कितने वर्षों बाद मिली थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2009 का विजेता है? तो कौन है, निकितासा मेहरावा। अगला है, 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र हैं? हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को बोलने वालों की दुनिया में सबसे अधिक संख्या है? बांग्ला। अगला क्वेश्चन है, महान एशियाई नदी मीकॉन्ग कहाँ से होकर नहीं बहती है? तो ये कहाँ से होकर नहीं बहती है, मलेशिया से होकर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला राज्य है? तो कौन सा है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो किस प्रकार से वर्णन करेंगे, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए कौन सक्षम है, संसद। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए? तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सहायता सब्सिडीज का अभिप्राय क्या है? तो क्या है, माल एवं सेवाएं खरीदने के लिए सरकार द्वारा भुगतान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीधा सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP को बढ़ाएगा? तो कौन GNP को बढ़ाएगा, विनिवेश में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? तो किसका सही मिलान किया गया है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सहकारिता कोऑपरेटिव क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं? यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, और वी है आपका उत्पादन संसाधनों के स्वामित्व का व्यापक बिखराव, और सी है आपका विकास कार्यक्रम में लोगों का सक्रिय रूप में शामिल होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू उत्पादन एवं राष्ट्रीय उत्पादन के बीच का अंतर किसी ऐसे देश के लिए महत्वपूर्ण है जहां कोई विदेशी विनिवेश ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय क्या है? ये पूछा जा रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय है किसी व्यक्ति को जिसे पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधि विरुद्ध निरुद्ध किया गया हो मुक्त करने के लिए किसी न्यायालय से आदेश लेना। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था विचार करती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था विचार करती है निजी एवं सरकारी क्षेत्रों पर। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद था?
तो भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल का सबसे जो बड़ा जो मद था वो था रेलवे। अगला क्वेश्चन, 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था तो कौन सा था? इंडिया। अगला है, किसके विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को घातक चोटें लगी थी? तो किसके विरुद्ध लगी थी घातक चोटें? साइमन कमीशन के विरुद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का कॉन्सोलिडेटेड फंड का नियंत्रण प्रक्षेपण करता है? तो कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है संसद। अगला है, किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? तो किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? ये की है संसद ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है? तो कौन सी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है? योजना आयोग। अगला है कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला है, क्वा वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन है? तो क्वा वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक हैं महात्मा गांधी। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को।